इमाम हसन ने इजाजत मांगी, जैसे इमाम हुसैन ने इजाजत मांगी, जिस तरह से मौला अली ने इजाजत मांगी, जैसे बीबी जहरा ने इजाजत मांगी, वैसे ही उन्होंने भी इजाजत मांगी कि अल्लाह के रसूल इजाजत है कि मैं भी चादर में आ जाऊं। अब तिर्मिज़ी शरीफ पर दो जुमले लिखे, एक जुमले ये लिखा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अंत अलल खैर, कि तुम खैर पाओ, मगर तुम मरीज हो जाओ ये मेरे अहले बैत है, तुम मरीज हो जाओ ये मेरे अहले बैत है। अब काफिया मुलाहिदा फरमाइएगा, अरे भैया जब खैर वाली हो जा अहले बैत के नीचे
नहीं है। अगर आप ये कहें कि चादर के नीचे जो आया वो सब के सब साहिबान इस्मत थे, मुझे माफ कीजिएगा, हम क्या किसी में हिम्मत नहीं है कि जो 14 मासूमीन की फहरिस्त पे किसी को शामिल कर दे। लेकिन सुरख बुला अब कतई कतई घात के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि बात आज तक पहुंच जाए इतना काफी है। मुतवक्किल का जमाना है। एक औरत ने यह दावा किया कि मैं ज़ैनब बिनते अली हूं। 200 साल के बाद बीबी ज़ैनब की शहादत के 200 साल बाद उसने दावा किया कि मैं ज़ैनब बिनते अली। लोगों ने कहा कि तू ज़ैनब बिनते अली कैसे, इतने ऐसे कैसे जिंदा है? तो उसने कहा कि मेरे नाना ने मुझे दुआ दी थी कि हर 50 साल के बाद मेरा शबाब बढ़ जाता, मैं ज़ैनब बिनते अली। देखिए एक बात तो ये समझ में आई कि 200 साल बाद तक बीबी की अजमत का जलवा कायम था। भाई बाजार भाई सवाल मोहम्मद।